कितनी सिक्योरिटी है। और ये रही वो कार, भाई साहब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। सो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं GTA 5, और GTA 5 में हमें बुलाया है लेस्टर ने, जो हमारा फ्रेंड है। तो लेस्टर ने हमें बुलाया है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे उसने मेरे को बुलाया हुआ है। अब मेरे को नहीं पता क्यों बुलाया है, तो हमें बस कार लेके जाना है। लेट्स गो, चलते हैं अभी हम अपने घर पे, घर पे नहीं टॉर्चर रूम है वो, तो चलते हैं वहाँ पे। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं वीडियो अपलोड करने से पहले आपको बता देता हूँ कि वीडियो आ रही है या नहीं, कब आ रही है, तो कर लो फॉलो। और गाइस मुझे आप कमेंट में ये भी बताओ कि कौन सी गेम्स का गेम प्ले चाहिए, मैं वो गेम्स खेलने का ट्राई करूँगा, कमेंट करो। तो गाइस लेस्टर की बुलाई हुई मतलब बताई हुई लोकेशन पर मैं आ चुका हूँ, और अच्छा हुआ मैम अपनी कार लेके नहीं आया, वरना यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी लग जाती। तो अभी चलते हैं। सो गाइस अभी चलते हैं हम। ओके कहाँ पे? ओके तो ये रही उसकी कार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार ली है उसने। तो यहाँ पे मैंने कार को पार्क कर दी है, और यहाँ पे मैंने पहनी अपनी कस्टमाइज हुडी जिस पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल लिखा है। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो करो। तो बस हमें इधर से जाना है अंदर। चलो कहाँ गया लेस्टर? ओ ये रहा, फ़ोन में कुछ चला रहा है। तो चलो बात करते हैं इससे और देखते हैं क्यों बुलाया है मुझे। ओके तो गाइस अभी मेरी बात हो गई है लेस्टर से और वो वापस लग गया फ़ोन में, क्योंकि हमें आज जाना है एक स्पेशल काम करने के लिए। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले तो घर पे। कोई सेंस है इस बात की? तो घर पे क्यों जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। और लेस्टर ने बोला कि तू मेरी कार लेके जा, और बस लेके जाओ, हमें जाना है कार स्टील करने। तो सबसे पहले तो मुझे जाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो घर हमारा ये रहा, घर पे इसलिए जाना है क्योंकि कपड़े चेंज करने हैं, मेरे को एक अच्छे से कपड़े पहनने हैं जिसमें मेरा फेस ना दिखे और वो हाइड हो जाए, तो ऐसा कुछ तो पहनना है। मेरे पास है क्योंकि मैंने बहुत पहले ख्वाहिश की थी, तो तब का मेरे पास है, तो मैं एकदम ईजिली पहन लूँगा वो। तो यस चलते हैं अभी फटाफट से अपने घर पे। और भाई ये कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वैसे इसकी स्पीड जो है वो अच्छी है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, तो अभी चलता हूँ और फटाफट से अपने लिए जो कपड़े हैं वो मैं पहन लेता हूँ। सो गाइस अभी मैंने जो कार है वो गैरेज से निकाल दी है और लोकेशन मैंने मार्क कर ली है। तो चलते हैं अभी फटाफट से, जो लोकेशन लेस्टर ने अभी अभी मुझे भेजी है, तो बस चलते हैं अभी वहाँ पे और देखते हैं कि कौन से बंदे हैं वहाँ पे। मतलब उसने बोला है कि पुलिस होती है वहाँ पे, लेकिन वो पुलिस होती है फेक, वो उनके बंदे होते हैं लेकिन उन्होंने पुलिस के ड्रेस पहन रखी है। फटाफट से कार स्टील कर ले, तेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे, अगर तो तू कार अपने पास रख ले और कार को तू बेच दियो, और मेरे को बोलना तू मत बेच देना वरना पंगा हो जाएगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि कार रख लूँ। अभी आपने देखा होगा मेरे पास कार नहीं है, तो वो सर्विस में गई है, बहुत ही भंगार सी कार है। ओ भाई साहब यहाँ पे पुलिस है, इतनी मतलब बाहर इतनी पुलिस है तो अंदर कहाँ पे होगी, कितनी होगी। और मैं लेके आ चुका हूँ मेरे पास अपना ड्रोन, मुझे लेस्टर ने दिया है, तो मैं ड्रोन से चेक भी करवाऊँगा कि कितने बंदे कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं तो नहीं रख सकता कार अपनी, कहीं सीक्रेट जगह पे चलते हैं और ड्रोन को मैं निकालता हूँ। ओके चलो मैं कार को पार्किंग में पार्क कर लेता हूँ ताकि किसी को भी पता नहीं चले रही पार्किंग। तो यहाँ पे मैं एकदम कोने की साइड में जाता हूँ और सिक्योरिटी देखता हूँ कितनी सिक्योरिटी है और कैसे हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान बनाना भी पड़ेगा। वैसे है दो तीन आइडिया, तो ड्रोन उड़ाते हैं। तो ये हमने फ्लाई कर दिया है अपना ड्रोन, और
ये रही मेरी कार, तो यस अभी ड्रोन ये रहा, तो ये है उनका गोल्फ क्लब। तो ये मैं स्किप करके जहाँ पे मेन लोकेशन है वहाँ पे चला जाता हूँ। ओके तो ये रहा वो घर। ओ भाई कितनी सिक्योरिटी है, और ये रही वो कार। भाई साहब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, भाई ये क्या घर क्या है, ये एकदम मस्त मेंशन है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, और यहाँ पे एक उनकी कार है, और इधर भी है, ऊपर भी थोड़े से बंदे हैं। बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है गाइस, कैसे करेंगे हम एग्जीक्यूट। कोई बात नहीं, अब इधर भी कार है काफ़ी ज़्यादा। ओके तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, मुझे मेरे ख्याल से पीछे से जाना पड़ेगा। पीछे कहाँ से जाऊँ, रास्ता कहाँ पे है। ओके तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मैं इधर से कार ला सकता हूँ, और पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। तो अभी मैं ड्रोन मेरे पास बुलाता हूँ, और यहाँ से हम निकलने का ट्राई करते हैं। तो मेरी जो कार है वो ये रही, तो मैं ड्रोन को अंदर रखता हूँ, और फिर हम चलते हैं वो पीछे से लोकेशन पे। तो गाइस ड्रोन जो है वो मैंने अंदर रख दिया है कार के अंदर, तो अभी चलते हैं हम सीधा जो लोकेशन है जहाँ से हम अंदर से एंटर हो पाएंगे, वहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले। ओके तो मुझे दिख गई है वो जो लोकेशन है। मैं कार को कहीं पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई देखेगा भी नहीं, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। और लॉक खैर नहीं करनी मेरे को, यहाँ पे कोई भी GPS नहीं लगा, तो ये कार एकदम मतलब ब्लास्ट कोई भी पकड़ नहीं लेगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ओके तो अंदर चलते हैं, गन हम निकाल देते हैं। यहाँ पे लगा है साइलेंसर, साइलेंसर नहीं बोलेंगे सप्रेसर लगा है। तो हम गन पहले तो अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस पुलिस से गलती से देख लिया तो पंगा हो जाएगा, और मेरे को छुपना पड़ेगा जल्दी से। तो ये रहा बंदा, तो मैं मेरे पास यहाँ पे सप्रेसर है, तो मैं इनको आराम से मारता हूँ। ये एक, ओके किसी को पता नहीं चला। ओ भाई अच्छा वो मैंने जो है बहुत ही अच्छा वाला पहन के रखा है अपना आर्मर, ताकि सही है सीन। तो इनको मारते हैं फटाफट से। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे हैं, तो मेरे को उनकी गोली लग नहीं रही क्योंकि मैं एकदम कवर में हूँ। और वो रही कार, तो बाकी के बंदे को हम नहीं मारेंगे, क्योंकि वो लोग तो ऐसे देखने आए, तो हम उनको क्यों ही पेलेंगे। अभी मेरा जो मेन एम है वो है कार को लेने का, तो इनको तो मैं बाद में भी पेलता रहूँगा। इनसे मेरे को देख लिया है, मतलब मारते हुए तो मैं इनको थोड़ा सा पेल देता हूँ। ओके ओह ये क्या कर रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है गाइस। हेड दे दिया मैंने यहाँ पे एकदम ओपी वाला। तो ये गया और इसको भी पेल देते हैं। इसने फोटो ले ली होगी, तो मैं कैमरा भी फोड़ लेता हूँ भाई पीछे से। ओके इसको मार देते हैं पूरा। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने बहुत देर तक मार के बंदों को ले लिया है, और एक पुलिस वाले के पास जो है की थी, तो मैंने वो की भी ले ली है, और पुलिस से पीछा छुड़वा लिया है। तो अभी मुझे जाना है ये वाली फैसिलिटी पे, मतलब फैसिलिटी के बाजू में जो रास्ता है वहाँ पे मुझे जाना है। पैनी से मेरे को बात कर देनी है कि तू भैया आ जा, और जो है पहुँच जा जल्दी से, वो वहाँ पे कहीं पे तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रास्ता जो है वो यहाँ पे है, यहाँ से जा सकेंगे हम शायद से, चलने का ट्राई करते हम। और गाइस हमने सक्सेसफुली जो है कार को स्टील कर दिया, इसको मेरे को मारना पड़ेगा। अपने अभी बिना किसी देरी के हम पहुँचते हैं वो लोकेशन पे, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली है मेरे को, कोई बात नहीं चलता है। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, तो अभी 4 मतलब ऑलमोस्ट 5 बजने वाला है, तो मुझे यहाँ पे खड़ा रहना है। और बहनी से बात हो गई है, वो बस 5 मिनट में पहुँच रहा है, तो बस अभी वेट करना है उसका, और देखते हैं कितनी देर लगने वाली है हमें जो GPS है वो निकालने में। तो देखते हैं कितनी देर लगती है, सबसे पहले हम पहुंच जाए वो लोकेशन। तो यही रही, तो ये जगह भाई लास्टर अलग लेवल का बंदा है। ओ नहीं, ऐसे ये कार को कुछ होगा तो बैनी कर देगा रिपेयर,
ओके, तो यहाँ पे कोई बहुत आता नहीं है, तो मेरे को इधर वेट करना है और वो सब कर लेगा कंप्लीट उसका काम सारा का सारा। गाइस अभी आप जैसे कि देख सकते हो अभी बज चुके हैं 6:30 और ये आ चुका था 5 बजे, तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई और इससे जो है जीपी है फाइनली निकाल दिया। अभी इसका कितना रहा है, तो गाइस ये बोल रहा है कि बस मेरा हो ही गया है, बस हमें ये हुड जो है वो बंद करना है और चलना है बस घर पे। तो अभी तो मैंने उसको काम ख़त्म कर दिया है उसने, अभी मैं ये जो हुड है वो बंद कर देता हूँ। तो गाइस अभी वो जो हुड है वो मैंने बंद कर दिया, तो बस हमारा काम हो गया, ये कार हो गई अब समय हमारी। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर दो, मैं सबसे पहले वहाँ पे बताता हूँ कि कब मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ। और मेरी सेकंड चैनल पे मैंने अभी क्रिएट की है, तो वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं कभी भी लाइव आ सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।